शानदार तेजी इस पूरे हफ्ते बाजार में देखने को मिली है, लेकिन आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है और आज थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिख रही है। निफ्टी साथ ही सेंसेक्स दोनों में ही फिलहाल लाल निशान देखने को मिल रहा, करीब आधा परसेंट की कमजोरी है। 10,000 का स्तर फिलहाल यहां पर नीचे तोड़ा है निफ्टी ने और फिलहाल 9975 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 32,200 इसको होल्ड करने की कोशिश लगातार सेंसेक्स कर रहा है, लेकिन मिड कैप्स की बात करें वहां पर आज बाइंग देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट आधा परसेंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, वहीं स्मॉल कैप में भी 1/4% की बढ़त है। मिड कैप के वो शेयर जहां पर अच्छी बाइंग है उनमें रिलायंस कैपिटल, एलएनटी रिलायंस इंफ्रा जैसे शेयर शामिल है। इनफैक्ट तमाम एडीएजी ग्रुप के अगर शेयर्स देखें सभी में बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप के जो गिरने वाले शेयर्स हैं उनमें काफी बड़ा हाथ देखिए तो फार्मा स्टॉक्स का है। इसके अलावा एम्फेसिस, जीटीएनडी जो लगातार दो सेशन से तेजी दिखा रहा था आज यहां पर गिरावट है। इसके अलावा जीआर इंफ्रा यहां पर भी आज 2% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप बैंक्स में आज अच्छी बाइंग है, बैंक ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर है, वहीं यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, आईडीएफसी बैंक तमाम शेयरों में हरा निशान देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालें तो आज एडीएजी शेयरों में तेजी है। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस डिफेंस, रिलायंस कम्युनिकेशन, तमाम एडीएजी पॉकेट्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। करीब 2-3% की मजबूती के साथ ये सभी शेयर आज कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और शेयरों की बात करें तो एनबीएफसी शेयरों में भी आज मजबूती है। एलएनटी फाइनेंस, आईडीएफसी, भारत फाइनेंशियल्स और चोला इन्वेस्टमेंट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जो कि आज कमजोरी है, वहां पर आज फार्मर शेयरों में गिरावट है और डॉक्टर रेड्डीज यहां पर करीब 6% की कमजोरी है। हेस्टर बायो, ल्यूपिन, सन फार्मा, ये कुछ ऐसे फार्मा काउंटर्स हैं जो कि जिसमें कि आज कमजोरी देखने को मिल रही है। खैर, हमारे साथ आज स्वाति होड़कर जुड़ चुकी है आपके सवालों, माफ कीजिएगा, आशीष खेलकर जुड़ चुके हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और सवाल पूछने का तरीका हम आपको बता देते हैं, आप हमें व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए मैसेज कर सकते हैं, उसके अलावा टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं दिल्ली से, राजीव जी ने हमें कॉल किया है। राजीव जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर, 500 डेवलपर्स के शेयर है, 455 रुपए की खरीद है, बहुत पुरानी खरीद है, अब उसका क्या होगा वो समझ नहीं आ रहा। पार्सलनाथ डेवलपर्स, हाँ काफी पहले लिया था आपने तो अब और नुकसान भी हो रहा है आपको, कब तक होल्ड कर सकते हैं आप पार्सलनाथ? होल्ड तो मैं मतलब जब तक कुछ उसका होगा नहीं मैं होल्ड पे ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल ले लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। पार्सलनाथ डेवलपर्स का स्टॉक है इनके पास, 300 शेयर्स इन्होंने बहुत पहले लिए थे, 55 के लेवल्स पर लिए थे और काफी ज्यादा नुकसान अब इनको यहाँ पर हो चुका है, क्या राय देंगे यहाँ से एग्जिट करें और अगर कोई और स्टॉक आप इन्हें सजेस्ट करना चाहें तो? आफ्टरनून टू एवरीवन। पार्सलनाथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे की तरफ चल रहा था, लेकिन अगर मैं इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो थोड़ा वो रुक सकते हैं तो मैं वीकली चार्ट रेफर करना चाहूंगा। आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो ये आज के ट्रेडिंग क्लोजिंग बेसिस पर मैं मानता हूं कि एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। इनके लिए मैं स्टॉप लॉस जो रेकमेंड करूंगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इनको 19 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा और जैसे ही ये स्टॉक 26 रुपीज के ऊपर निकलना चालू होगा इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा लॉस कम करने का। 26 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो इसका लक्ष्य रहेगा करीबन 32 और 34 का, तो जैसे ही 32-34 के यहाँ पे आता है तो उनको निकल जाना बेहतर रहेगा। तो फिलहाल होल्ड करने की मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस ऑफ 19 रुपीज। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर 19 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, आपकी खरीद से बहुत नीचे, थोड़ा समय देना ही होगा। तुषार है हमारे साथ अमरावती से, तुषार नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? नमस्ते मैम। जी मैम, मैंने एलएनटी लिया है इंट्राडे बेसिस के लिए। और भाव क्या है? 1160 के भाव पर लिए मैम, 200 शेयर। ठीक है, 1160 इसके आसपास से फिलहाल ट्रेड कर रहा है, हालांकि इनके खरीद भाव से 1 रुपया ऊपर है, उस लिहाज से देखा जाए तो इन्हें फायदा हो रहा है। स्टॉक पे थोड़ी कमजोरी है 1.2% की, नंबर्स का भी थोड़ा बहुत असर यहाँ पर दिख रहा है, नंबर्स आज एलएनटी के फोकस रहेगा। आशीष, एलएनटी को लेकर अभी इंट्राडे के लिहाज से क्या सजेस्ट करेंगे? अभी दिन के निचले स्तरों पर है, 1190 का ऊपरी स्तर था और फिलहाल 1160 का स्तर दिख रहा है। अगर इसका हम इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं चार्ट रेफर करता हूं तो मैं मानता हूं कि इनको 1153 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो इनको वॉच करना है, क्योंकि अगर 1153 के ऊपर नीचे ये स्टॉक फिसलता है तो मैं मानता हूं कि करीबन ये स्टॉक 1128 तक नीचे जा सकता है, तो 1153 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जैसे ये स्टॉक वापस कल का जो ओपनिंग है जो 1176 है इसके ऊपर निकलता है तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे इसको 1190 होते हुए, तो फिलहाल होल्ड करें, स्टॉप लॉस ऑफ 1153।
तो एलएनटी में होल्ड करने की राय होगी। ग्वालियर से हमारे साथ फोन लाइन पर एक दर्शक जुड़े हैं, विजय। विजय जी नमस्कार। मैं वाटर विभाग में पोजीशन लेना चाहता हूँ, तो एंट्री लेवल जानना चाहता हूँ, किस लेवल पे एंट्री। ओके, ये आप कब तक, कितने समय के लिए आप लेना चाह रहे हैं इसको? ये कितने समय के लिए लेना चाह रहे हैं, माफ कीजिएगा आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिक्स मंथ्स के लिए लेना चाह रहे हैं आप, ठीक है। आशीष वाटेक वाबाग लेना चाह रहे हैं ये, और ये जानना चाह रहे हैं कि किस लेवल पे खरीदे, 6 महीने का इनका व्यू है। अभी भी खरीदारी की जा सकती है, खरीदारी करने के लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका है, क्योंकि ये स्टॉक करीबन 740 से लेके 600 रुपए तक करेक्ट हुआ था, और हम अभी भी 600 के करीब ही है, 609 610 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं मानता हूँ ये डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 6 महीने का इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो इनके लिए जो मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा वो 583 का होना चाहिए। थोड़ा डीप डाउन स्टॉप लॉस है, लेकिन बेहतरीन स्टॉप लॉस साबित होगा। जैसे ये स्टॉक 620 के ऊपर निकलेगा तो इसका जो लक्ष्य रहेगा करीबन होगा 700 और 710 रुपए का अगले 6 महीने में। डेफिनेटली अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कमा सकते हैं, तो अभी खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 583। ठीक है, तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ एक और दर्शक हैं, इस वक्त हैं विजय रीवा से। विजय नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? नमस्ते मैम जी, बताइए मैम। मेरे पास आरिफ बिरला मनी है, 200 एबी मनी। किस भाव पे लिया है आपने? मैम 70 रुपए पे लिया मैंने। चलिए, तो डबल होने के कगार पर है, कांग्रेचुलेशंस। कब से होल्ड कर रहे हैं मैम? अभी ये 1 महीना हुआ होगा मैम। 1 महीने में काफी अच्छा रहना, तक बहुत अच्छी चाल स्टॉक में दिखी है, लेकिन आगे इसमें कितनी अपसाइड बाकी है एक्सपर्ट से जानते हैं। आशीष, अगर हम इसके चार्ट्स पे देखें तो काफी अच्छी चाल ये दिखा चुका है, और इन्होंने लिया भी 70 रुपए के आसपास है। इनके खरीद को देखते हुए क्या सजेस्ट करेंगे? 134 के आसपास का लेवल आज देखने को मिल रहा है, आज थोड़ा 5% तक की गिरावट है, लेकिन बहुत अच्छी चाल दिखाई है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन लिक्विडिटी इस स्टॉक में काफी कम रहती है, तो कितना टाइम से और होल्ड करना चाहिए, क्या टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे एबी मनी में? मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि एक बार इनको प्रॉफिट बुक करके कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यह स्टॉक ऊपर गया था और जिस लिक्विडिटी के साथ ऊपर गया था, मैं मानता हूँ कि थोड़ा करेक्शन और इसमें आने की संभावना है। तो आप ये कर सकते हैं कि अराउंड 70% या 75% जो शेयर्स हैं उनको बेच के प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 25% शेयर्स इनको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि और थोड़ा करेक्शन आने के बाद अगर ये स्टॉक चार्ट के ऊपर यू टर्न दिखाता है, कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, तो ही वापस इसमें बुलिश मोमेंटम आने की संभावना होगी, लेकिन यहाँ पे 75% प्रॉफिट बुक करने की मैं सलाह दूंगा। तो 75% प्रॉफिट बुक करने की यहाँ पर सलाह आशीष की तरफ से। नासिक से हमें कॉल किया है, मीना जी ने हमें कॉल किया है। जी मीना जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, मैंने 50 ITC लिए 333 से। ये कब लिया था? 333 से। ITC का शेयर कब लिया? 50 लिए जी। ये लिया कब था आपने ITC? ये अभी 1 month हो गया मैडम। और ONGC 100 लिया है 175 से। ONGC 175 उसको काफी टाइम हो गया है, उसको काफी टाइम हो चुका है। हाँ, okay, 175 पर आपने लिया था। हाँ, तो क्या करना चाहिए, होल्ड okay. करना चाहिए क्या? आप होल्ड कर सकती हैं, आप अच्छा समय दे सकती हैं दोनों ही शेयरों में। जी होल्ड कर सकती हैं। आशीष, ITC का स्टॉक है इनके पास, 333 पर इन्होंने लिया था 1 महीने पहले। नतीजे आए हैं कंपनी के, और आज नतीजे भी अच्छे थे, लेकिन स्टॉक इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहा है। शेयर पे क्या रहेगा? तो एक और शेयर पे सवाल था इनका, ONGC पे। ONGC इन्होंने 175 के लेवल पर लिया था, और यहाँ पर भी ये होल्ड कर सकती हैं, तो इन दोनों ही शेयरों में क्या राय होगी, ITC और ONGC? पहले ITC के ऊपर बात करते हैं। ITC मेरे हिसाब से इनको होल्ड करके रखना चाहिए, अगर ये इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो लंबा खासा है, मध्यम अवधि से लेकर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इनका होराइजन है तो होल्ड करके रखना चाहिए। लेकिन ये जो होल्ड करने की मैं सलाह देना, उसके लिए मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 277 का। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो करीबन 18 जुलाई को जो स्टॉक में एक क्रैक आया था उसका लो था 277, तो इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान है, होल्ड करना चाहिए 277 के स्टॉप लॉस के साथ। ITC जिस दिन 295 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, एक बहुत ही अच्छा उछाल इस स्टॉक में वापस एक बार देखा जाएगा, होल्ड करना चाहिए। दूसरा स्टॉक था ONGC। ONGC की अगर हम बात करते हैं तो ये पिछले करीबन 15 ट्रेडिंग सेशन में एक साइडवेज ट्रेंड में घूमता हुआ नजर आ रहा है।
आज की तारीख में अगर हम अभी इसका रेट अगर हम देखते हैं तो ONGC ट्रेडिंग एट अराउंड 163, ये एक बहुत ही अच्छा लेवल है, एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है वहां के नजदीक है। बेस फॉर्मेशन जो यहाँ पे बन रहा है वो है करीबन 159 का, तो 159 का स्टॉप लॉस लगा के मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। 167 के ऊपर जिस दिन निकलेगा सीधा ये 176 को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, तो ONGC में फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है, आपकी खरीद 175 की और आपकी खरीद से नीचे थोड़ा समय आपको देना होगा। इस बीच आपको खबर दे दें कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया, आज उनको अपना विश्वास मत साबित करना था और उनको 131 वोट मिले हैं। तो फाइनली जो एक हाईली ड्रामेटिक उनकी एग्जिट और उसके बाद दोबारा से एंट्री देखने को मिली, फिलहाल फ्लोर टेस्ट वो पास कर चुके हैं। कुछ और दर्शक भी जुड़ रहे हैं, अजय इस वक्त फोन लाइन पर MP से। अजय नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? जी मैम, मैंने सिग्नेट इंडस्ट्री लिया मैम। और भाव क्या है? 11.25 रुपए। तो ये क्या इंट्राडे के लिए है या फिर दो चार दिन रखेंगे, कितना समय दे सकते हैं? मैं लगभग 4 से 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, आशीष सिग्नेट इंडस्ट्रीज यहाँ पर 12.30 रुपए का स्तर आज देखने को मिल रहा है, इनकी खरीद 11.25 रुपए की, यानी कि फिलहाल इनको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को, क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अगर इसका पिछला परफॉर्मेंस देखें तो नेगेटिव में ही रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है, तो क्या करना चाहिए अभी सिग्नेट के अंदर? सिग्नेट का अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो बहुत ही नीचे आया ये स्टॉक, करीबन 27-28 से लेके ये स्टॉक सीधा 7 रुपए तक नीचे आया था। लेकिन 7 रुपए के बाद अगर हम परसों का इसका 21 जुलाई का अगर हम चार्ट देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो बहुत ही बड़ा उछाल आया था और अच्छे वॉल्यूम के साथ उछाल आया था। तो ये एक ब्रेकआउट है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न का, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से एक उछाल ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। जिस दिन ये स्टॉक 13.20 रुपए के ऊपर निकलेगा, इसका जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा करीबन 16.20 रुपए का। तो मैं मानता हूँ कि इनको होल्ड करके रखना चाहिए। होल्ड करने के लिए जो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा वो रहेगा 11.40 रुपए का, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये स्टॉप लॉस लगाए और होल्ड करें। तो ये राय आती है सिग्नेट इंडस्ट्रीज में होल्ड करने की राय होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके रखें। चंडीगढ़ से हमें हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, कप्तान सिंह जी ने हमें कॉल किया है। जी पूछिए मिस्टर सिंह, नमस्कार, आपको आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। जी पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं मेरे पास मैम हड़को के शेयर हैं 1089 के वापस है। ओके यस मैम, आ रही है जी। मैं हड़को के 89 के वापस है, 1000 शेयर है मेरे पास जी, और CDSL के 355 के वापस है मेरे पास 480 शेयर है। ये दोनों ही रीसेंट लिस्टिंग है, आपने IPO के समय लिया था ये? नहीं मैम, अभी बीच में लिया है मैंने। ओके तो आप बने रह सकते हैं इन दोनों में ही, हुडको में और CDSL में? हाँ बने रह सकते हैं मैम। ठीक है, आशीष इनके पास दोनों ही अभी रीसेंट लिस्टिंग जो अभी हाल ही में लिस्टेड हुए हैं, हुडको और CDSL। वैसे 400 आपके पास अभी ज्यादा समय के होंगे नहीं, लेकिन कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको हुडको और CDSL के शेयर्स इस लेवल पर? दोनों चार्ट सिमिलर ही दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं CDSL के बारे में बात करना चाहूंगा। CDSL का अगर हम चार्ट देखते हैं, जब से लिस्टिंग हुआ है एक उछाल आता हुआ हमने उसमें देखा है। ये स्टॉक करीबन 250 से लेके 480 तक उछाल इसमें देखा और वापस ये अभी 340 के आउट लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो करेक्शन हुआ है ये फिलहाल ठीक करेक्शन है, चार्ट उतना ज्यादा डेटा नहीं दिखा रहा है, फिर भी मैं ये उनको बताने की कोशिश करूंगा कि होल्ड करके रखना चाहिए। दोनों स्टॉक में पोटेंशियल है। टेक्निकल लेवल्स की अगर हम बात करते हैं, पहले CDSL के बारे में बात करता हूँ। जैसे ही ये स्टॉक 387 के ऊपर निकलेगा तो एक फ्रेश ब्रेकआउट माना जाएगा, वापस ये स्टॉक 440-460 के लक्ष्य दिखा सकता है, तो होल्ड करके रखने की सलाह होगी CDSL में। हुडको का अगर हम चार्ट देखते हैं तो सेम पैटर्न इसमें भी फॉर्म हुआ है, 102 से लेके ये स्टॉक करीबन 82 तक अभी यहाँ पे करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए मैं स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 78 का, क्योंकि एक गैप बना है। 78 के नीचे चलता है तो और इसमें बिकवाली आती हुई देखी जाएगी, तो 78 का स्टॉप लॉस लगा के हुडको होल्ड कीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर होल्ड ऑन करने की सलाह हुडको में, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर आपको लगाना है। वहीं CDSL यहाँ पर 450 से ऊपर के स्तर तक दिख सकते हैं, तो आपको अभी थोड़ा सा होल्ड ऑन करना होगा। लेकिन एक बार फिर से आपको अपडेट दे दें बिहार से कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के पक्ष में 131 वोट मिले, यानी आज फ्लोर टेस्ट उनको पास करना था, उन्होंने बड़ी आसानी के साथ फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है और आज विश्वास मत उन्होंने जीत लिया है। कुल 122 वोट चाहिए थे अपना विश्वास मत हासिल करने के लिए और उससे ज्यादा वोट उनको मिले हैं, उनके पक्ष में 131 वोट मिले जबकि उनके खिलाफ 108 वोट पड़े हैं।
तो काफी ड्रामा इस पूरे ही सिनेरियो में देखने को मिला। अचानक रात में उन्होंने रिजाइन किया चीफ मिनिस्टर के तौर पर और अगले दिन बीजेपी के समर्थन से सरकार पेश करने का दावा, और अब इस दावे को उनको फ्रूटफुल मिला। यहाँ पर उनके खिलाफ भले 108 वोट पड़े हों, लेकिन उनको जरूरत थी 122 वोटों की, और उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया 131 वोटों की मदद से। बीजेपी के साथ मिलकर अब नीतीश कुमार सरकार वहां चलाएंगे। चीफ मिनिस्टर के तौर पर कल उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, मांग किया था जो नहीं माना। फिलहाल निफ्टी पर नजर डालें तो यहां पर लाल निशान अभी भी है 9975 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है, यानी ऑलमोस्ट एक दायरे में कारोबार होते हुए दिख रहा है। आशीष, अगर हम आपकी कॉल लेना चाहें, निफ्टी में अभी बाय साइड पर ही रहेंगे और टारगेट्स क्या आप देख रहे हैं, कोई स्टॉप लॉस अगर लगाना हो तो सपोर्ट लेवल क्या देख रहे हैं निफ्टी का? निफ्टी का अगर हम सपोर्ट लेवल देखते हैं तो 9960 का आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा। और अगर किसी को खरीदारी करनी है तो फिलहाल खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी, जब तक इंडेक्स 10,000 के नीचे है तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए इंडेक्स में। 10,000 के ऊपर अगर निकलता है तो 9960 का स्टॉप लॉस लगा के हम 10,070 का लक्ष्य आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में दो ट्रेडिंग सेशन में हम देख सकते हैं। ऑलराइट, और एक बार चोला इन्वेस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। नंबर्स आए हैं कंपनी के, नंबर्स अच्छे रहे हैं इस क्वार्टर में, और नंबर्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट भी मौजूद है। मिस्टर रोहित पटके हैं, प्रेसिडेंट एंड बिजनेस हेड होम इक्विटी होम लोन्स एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस चोलामंडलम इन्वेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है। नंबर्स ऑन द फेस अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एनपीए की सिचुएशन आपसे जानना चाहेंगे। सम टाइम बैक थोड़ा सी प्रॉब्लम थे, कंसर्न्स थे, और 3% तक भी एनपीएस देखे हैं कंपनी ने, लेकिन फिलहाल स्थिति कैसी है और कंपनी क्या कुछ कर रही है, क्या स्ट्रेटजीज कर रही है ताकि एनपीएस कंट्रोल में रहे? पिछला क्वार्टर है बहुत बढ़िया गया हमारे लिए, और अगर आप स्पेसिफिकली एनपीएस की बात करेंगे तो एनपीएस फ्लैट है, और लास्ट क्वार्टर जो है हमने हमारा जो प्रोविजनिंग है जो पहले हम 120 दिन पे करते थे वो शिफ्ट करके 90 दिन पे किया है, तो 90 दिन पे हमारे एनपीएस 4.7% है जो ग्रॉस एनपीएस है। तो ये क्वार्टर भी सेम एनपीएस है, सेम लेवल हमने मेंटेन की है, और इसका कारण यह है कि हमारे जो कलेक्शन एफर्ट और टेक्नोलॉजी जो हमने यूज किया है वो उसके नतीजे हमें ये मिल रहे हैं कि कलेक्शन काफी अच्छा, कलेक्शन एफिशिएंसी काफी अच्छी बढ़ रही है। ओके सर, कलेक्शन की आपने अभी बात की, जब नोटबंदी आई थी तो काफी सारे जो माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स थे और आपकी जैसी कंपनी थी उनके कलेक्शन पर काफी असर पड़ा था, लेकिन अब 2-3 क्वार्टर बीत चुके हैं उस बात को, तो इस वक्त वो ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है कलेक्शन के फ्रंट पर, आगे के लिए ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है कंपनी को? ये कलेक्शन का ट्रेंड बहुत अच्छा दिख रहा है, और हमने जो डीमोनेटाइजेशन हुआ और उसके बाद जो कैश नोटबंदी पे जो प्रबंध लगाए गए हैं तो हमने टेक्नोलॉजी यूज की, जैसे हमने एक ऐप लॉन्च किया है कि हमारा ऐप यूज करके हमारे कस्टमर हमें पैसा भर सकते हैं डायरेक्टली, या हमने उनको बैंकिंग सिखाया, बहुत सारे कस्टमरों को हमने बैंक में जाके आरटीजीएस कैसे करते हैं वो सिखाया, और पॉस मशीन्स हमारे ब्रांचेस में दी, हमारे कस्टमर को वो भी फैसिलिटी दी कि आप आपके डेबिट कार्ड से हमें पे कर सकते हैं, और उसका नतीजा ये है कि हमारे कलेक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ गई है और हमारे कस्टमर भी खुश है कि कंपनी ने उनको हेल्प किया नोटबंदी के इसमें, कि जहां कैश नहीं ले सकते हैं वो कोई माध्यम उनको प्रोवाइड किया कि उनका ना ईएमआई ये नहीं बाउंस ना हो जाए, हर महीने ईएमआई ऑनर करें। सर इनफैक्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज या फिर कह सकते हैं शिफ्ट जो हम देख रहे हैं बैंक्स की स्ट्रेटजी में, धीरे धीरे रिटेल की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब कॉर्पोरेट से अब रिटेल की तरफ फोकस शिफ्ट हो रहा है, तो अगर बैंक्स का फोकस शिफ्ट होगा रिटेल स्पेस में जहां पर ऑलरेडी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है वहां पर अच्छा एक्सपोजर होता है, डिसबर्समेंट पर इसका कितना असर आप देखते हैं? पिछले क्वार्टर में हमने डिसबर्समेंट 15% बढ़ाई है और ये जो बढ़त है वो कंटिन्यू रहेगी। इसका कारण ये है कि देखो हमारा जो ब्रांच नेटवर्क है वो अभी हम 703 ब्रांचेस है पूरे भारत में, और हम ये ब्रांच नेटवर्क बढ़ाएंगे भी, तो मार्केट भी बड़ा है और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है और हम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा भी रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हमारा डिसबर्समेंट तो है 15-20% से तो ग्रो करेगा ही। ओके सर, अभी हाल ही में कंपनी ने हुडको के साथ भी एक करार किया है
तो किस तरह की सिनर्जी क्रिएट होगी एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर हम फिर होम लोन्स की बात करें, होम फाइनेंस सेगमेंट की बात करें, तो वहां पर किस तरह का ग्रोथ देखने को मिलेगा? अगर आप होम लोन्स की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, अब Q1 ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारा 63% ग्रोथ हुआ है और ऑलरेडी हम 6 स्टेट में है होम लोन्स में और होम लोन के अभी 70 ब्रांचेस है जो हम बढ़ा के 150 ब्रांचेस तक करेंगे। तो यहाँ होम लोन सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी, वहाँ पे यील्ड्स भी अच्छे हैं और मार्केट भी बहुत बड़ा है। और जो आप क्रेडिट सब्सिडी हड़कों के साथ टाइप वाली बात की, तो वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में जो कस्टमर लेते हैं उनको एक रकम वापिस मिलती है जो प्रिंसिपल में एडजस्ट होती है, तो उसका भी हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हमारे कस्टमर भी खुश है कि उनका लोन अमाउंट कम होता है, ईएमआई कम होती है। थैंक्स अ लॉट सर, आपने समय निकाला और नंबर्स पर बात की, साथ ही अपना आउटलुक शेयर किया। ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। तो ये थे मिस्टर रोहित फटके चोलामंडलम इन्वेस्ट से। लेकिन एक बार फिर से दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ अजीत हैं गुवाहाटी से। अजीत जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? ये मेरा आरपीजी लाइफ साइंस 100 रुपए। किस भाव पे, भाव क्या है खरीद का? 480 रुपए। अच्छा, थोड़ा ऊपर जाके ले लिया, फिलहाल 360 के आसपास है स्टॉक। कितना टाइम और दे सकते हैं आप इसे? टाइम दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आशीष, आरपीजी लाइफ साइंसेस फार्मा स्पेस की कंपनी है और खरीद काफी ऊपर की है, तो हो सकता है काफी टाइम से होल्ड कर रहे हो, फिलहाल नुकसान में है, क्या कर सकते हैं अभी और स्टॉप लॉस कोई सजेस्ट करेंगे इनके लिए? अगर मैं यहाँ पे आरपीजी लाइफ का हम जायजा लेके लेते हैं तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए चल रहा है, लेकिन एक ही पॉजिटिव बात यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक पर्टिकुलर लेवल है जिसको ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और वो लेवल है करीबन 353 की। अगर ये स्टॉक 353 के नीचे फिसलता है तो मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक सीधा आ सकता है करीबन 295 के लेवल पे। तो एक बहुत बड़ा फॉल इस स्टॉक में आएगा जब ये स्टॉक 353 के नीचे क्लोज होगा, तो मैं 353 का स्टॉप लॉस रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो इस स्टॉक में से तुरंत निकल जाए और इसी सेक्टर में से पिरामल एंटरप्राइजेस से जो स्टॉक है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, तो जो कुछ भी पैसा यहाँ से निकलेगा वो पीएल में डाल सकते हैं, वहाँ पे जो लॉस हुआ है वो रिकवर होने की संभावना ज्यादा होगी। तो एक और पिक यहाँ पर गेस्ट की तरफ से आती है, पिरामल एंटरप्राइजेस। फार्मा स्पेस में से अगर आपको चूज करना है तो पिरामल एंटरप्राइजेस ये बेहतर बेट रह सकता है। इस बीच एनआईटी के नंबर्स आ चुके हैं, मुनाफा 10 करोड़ रुपए 80 लाख के मुकाबले, यानी कि यहाँ पर इस बार डबल डिजिट की फिगर देखने को मिली है। पूजा, आय की बात करें तो 210 करोड़ की आय कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट की है। शानदार नंबर्स अच्छे, और इसी के चलते स्टॉक में भी रिएक्शन है। फिलहाल 8% की तेजी है, दिन के ऊपरी स्तरों पर 96 का स्तर यहाँ पर देखने को मिला है, जो अनुमान था उससे बेहतर रहे नंबर्स। और अच्छी बात यह कि इस बार जो लाख की फिगर है वो करोड़ में देखने को मिली, यानी 10 करोड़ का, यानी 10.5 करोड़ का मुनाफा इस बार कंपनी ने क्लॉक इन किया है। तो कोई बड़ी फिगर हो सकता है कि प्रॉफिट्स के अंदर हो, जिसके चलते ये इजाफा देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट मल्टीफोल्ड जंप यहां पर पैट में देखने को मिला है, फिलहाल ऑलमोस्ट 8% की तेजी है। अलग अलग सेगमेंट्स में किस तरह की ग्रोथ रही है वो देखना होगा, लेकिन कॉर्पोरेट लर्निंग में लगभग 14% की ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर की है अगर ईयरली बेसिस पे हम कंपेयर करें तो। आशीष, वेरी क्विकली, एनआईटी लिमिटेड पर आपका क्या टेक है और इस पूरे स्पेस में जो और जो स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, हेडकॉम एप्टेक जैसे स्टॉक्स हैं, उनके कंपैरिजन में आपको एनआईटी कैसा लगता है? अगर मैं पहले कंपैरिजन की बात करूं तो एनआईटी टेक बहुत ही बढ़िया है बाकी सारे स्टॉक्स के कंपेयर करते हैं। तो एनआईटी का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए चल रहा है, करीबन अप्रैल महीने से ये ऊपर की तरफ चल रहा है। 69 का लो बना कि ये स्टॉक अभी करीबन 95 और लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। फिलहाल अभी भी इसमें हेडरूम बाकी है, मैं मानता हूँ कि ये स्टॉक करीबन 104-105 के लेवल को छू सकता है, आज ही में नहीं लेकिन अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में 103-104 तक ये स्टॉक जा सकता है। जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करने की मैं सलाह देता हूँ, उनके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 93 का। नई पोजीशन अगर बनानी है तो अभी भी बनाई जा सकती है, स्टॉप लॉस 93 पे लगाना होगा। तो नई पोजीशंस भी एनआईटी में आप बना सकते हैं, यहाँ पर 93 का स्टॉप लॉस रखना होगा, 104 का लेवल दिख सकता है, 107 का इसका ईयरली हाई रहा है। थैंक्स अ लॉट आशीष, फिलहाल इतने शेयर्स पर बात करेंगे।